स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम LED बल्ब कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो पहले हम हाउसिंग और B22 कैप खोलेंगे और पंचिंग मशीन में लगाकर उसे प्रेस करेंगे। इस तरीके से वो दो एक हो जाएंगे, निकल नहीं पाएगा बाद में। इसके बाद में हम ड्राइवर लेंगे, ड्राइवर को अंदर B22 कैप के अंदर डालेंगे। दो वायर बाहर निकल जाएंगे। दो वायर बाहर निकलने के बाद में हमें उसे सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करना है। दोस्तों, हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद में जो वायर के वायर निकल गए हैं उसे कट करना है कटर की मदद से। प्रेस करने के बाद में इसे टिक्की मशीन पे रखना है इस तरीके से। और इसके पहले ये जो टिकली है एल्यूमिनियम की, तो इसे ऐसे इस तरीके से उसे दो वायर के बीच में डालकर इस तरीके से टिक्की मशीन के नीचे रखना है और हल्के से प्रेस करना ताकि वो अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए, निकल ना पाए। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से प्रेस हो गए। प्रेस होने के बाद में जो दो वायर निकले हैं, ब्लैक वाला और रेड वाला, ब्लैक वाला माइनस रहता है, रेड वाला प्लस रहता है। ये हीट सिंक पेस्ट सिंक पेस्ट हमें MCPC किट के नीचे लगाना है इस तरीके से, ताकि जो भी LED है जलने के बाद गर्म जो होती है वो ज़्यादा गर्म ना हो। और इसे हमें दो वायर के बीच में इस तरीके से लगाकर यहाँ पर फिक्स करना है। इस तरीके से दो होल आपको दिख रहे होंगे, वो दो होल में से एक होल में हमें स्क्रू कसना है, स्क्रू लगाना है ताकि MCPC किट इधर उधर हले ना, इस तरीके से। और स्क्रू को एकदम कसना है। बाद में हमें दो वायर को अटैच करना है, सोल्डरिंग करना है। प्लस वाला जो है वो रेड वाला होगा, रेड वायर उसे हमें लगाना है और ब्लैक वाला माइनस की जगह पे लगाना है। इस तरीके से हम उसको दो वायर को सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगी, देख सकते हैं। दोनों वायर को लगाना है और ये डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र को हमें ऊपर लगाना है, सेट करना है, एकदम फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद हमें इसको आप चेक करके देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं। देखिए बल्ब जलने लगा।